हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKICC। मैं हूं आपका कपिल सर। सो गाइस, आज हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने ये देखा था कि एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टर्स लेके आप क्या कर रहे थे, एलसीएम को निकालते थे। तो उस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको इस मेथड को नहीं करना है, यानी कि मेथड वन जो है, जो पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था, वो आपको नहीं करना है। आज जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसी मेथड को आपने पेपर में भी, एग्जाम में भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस मेथड को ध्यान से समझिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी उनको पता होगा कि इसको कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम, बट जिसको नहीं पता वो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस लेक्चर के ऊपर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि आज हम करने क्या जा रहे हैं। तो ये जो मेथड सेकंड है, इस मेथड को बोलते हैं प्राइम डिवीज़न मेथड, ठीक है। यानी कि इसमें हम डिवीज़न करेंगे लेकिन विद द प्राइम नंबर्स के थ्रू, ठीक है। तो प्राइम डिवीज़न या जिसको डिवीज़न मेथड भी बोलते हैं, ये कैसे करते हैं देखते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे एलसीएम इनका फाइंड करना है। तो एक मेथड तो प्रीवियस मेथड था, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, वो काफ़ी लेंथी था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन ये वाला मेथड जो है, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आसानगी से इससे आप कोई भी एलसीएम के क्वेश्चन जो हैं वो आप इजीली निकाल सकेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं। तो चलिए, ये डिवीज़न मेथड है, इससे अगर आपने क्वेश्चन फाइंड करना है तो क्या करना है, ये स्टेयर्स बना लेनी है आपने। स्टेयर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीढ़ियों की तरह होती है ये, इसलिए। अब देखिए 12, 18, 36 और ये 48, सारे नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब आपने कोई एक ऐसा नंबर चूज़ करना है, लेकिन याद रखिए प्राइम नंबर चूज़ करना है। प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि वही एक ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो इनमें से दिए गए नंबर्स को ज़्यादातर डिवाइड कर दे। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे इन सबको डिवाइड करने में, एक तो 2 इन सबको डिवाइड कर सकता है और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो मैं 2 को ही ले लेता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर इन सबको डिवाइड करे, हो सकता है इनमें से कोई किसी 2 को डिवाइड करेगा वो, या 3 को, या सभी को, या किसी एक को भी। तो आपने मोस्टली वही नंबर लेना है, प्राइम नंबर जो ज़्यादातर नंबर्स को डिवाइड कर ले, सभी को नहीं। सभी को करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो 2-3 नंबर्स को भी अगर कर देता है तो वो प्राइम नंबर हम इजीली ले सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है एलसीएम में कि आपने सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर ही पहले लेना है, कोई भी प्राइम नंबर आप पहले ले सकते हो। अगर मैं देखूँ यहाँ पर 12 3 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी, 12 3 से भी डिवाइड होता है, 18 भी 3 से डिवाइड होता है, 36 भी 3 से और 48 भी 3 से। तो ये सारे के सारे नंबर 3 से भी डिवाइड होते हैं और 2 से भी होते हैं, और 3 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। डैट मीन्स आप 2 को भी ले सकते हो और 3 को भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। ये इसमें ये भी नहीं है कि 3 बड़ा है उसको बाद में लेना है और 2 छोटा है उसको पहले लेना है, ऐसा भी कोई नहीं है। 3 को भी पहले ले सकते हो और 2 को भी पहले ले सकते हो, जो आपकी मर्जी, जैसा आपको इजी लगे, ठीक है। चलिए मैं 2 को ही लेता हूँ, तो 2 ले लेना यहाँ पे। तो सबको जो जो कटते हैं इनमें से वो काटने हैं, जो नहीं कटते हैं वो नेक्स्ट स्टेयर में एज इट इज़ ही उतार देने हैं। अब देखिए ये सारे के सारे कटते हैं, 2 6 12, 2 9 18, 2 18 36, 2 24, ये हो गया। अब देखिए इनमें से ज़्यादातर नंबर किससे कटते हैं, 2 से भी कटते हैं, क्योंकि 6 2 से कटता है, 18 2 से कटता है, 24 भी 2 से कटता है, और ये सभी के सभी अगर मैं देखूं तो 3 से भी कटते हैं। तो यानी कि आप 2 भी ले सकते हो और 3 भी ले सकते हो, और दोनों के दोनों प्राइम नंबर तो है ही हैं, तो लेने भी यहाँ पे प्राइम नंबर ही हैं। तो 2 से भी काट सकते हो आप, 2 3 6, 9 तो कटता ही नहीं है 2 से, इसको एज इट इज़ ही उतार दिया क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप देखोगे 18 2 9 18, 2 12 24, क्लियर हो गया। आप देखिए इनमें से ज्यादातर नंबर किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। अब
ये दो थ्री से कटते हैं, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, फोर नहीं कटता, उसको एज इट इज़ ही रहने दिया। अब ये जो मेथड है ये आपने तब तक करते जाना है जब तक कि यहाँ पे कोई एक वैल्यू बच नहीं जाए, तो आपने जो बची हुई वैल्यू हुआ उसको भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। या तो कोई एक वैल्यू यहाँ पे बच जाए, या जो रिमाइंडर ये बचा हुआ है वैल्यूज जो हैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स आ जाएं, ठीक है, यानी कि टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, तो उसको आगे डिवाइड या काटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली उसको इन सभी जो आपने ये जो प्राइम नंबर्स लिए हुए हैं इन सभी के साथ ही आपने क्या कर देना है, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसका जो एलसीएम होगा वो देखते हैं। एलसीएम इज इक्वल्स टू इन सब को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री इंटू फोर, ठीक है। मैंने इसको आगे काटा नहीं, मैं चाहता था टू के साथ भी काट सकता था, लेकिन वो काटने से आपका ये प्रोसीजर और लंबा हो जाना था, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू बचेगी तो उसको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज ही मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, टू टू ज़ा फोर, ठीक है, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, थ्री थ्री ज़ा नाइन, सिक्सटीन इंटू नाइन होता है 144, तो 144 इज़ द आंसर, तो इसका एलसीएम आ गया 144। क्लियर हो गया ये मेथड। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। क्या करना है, फटाफट से स्टेयर बना लेनी है, ठीक है, 20, 25, फिर क्या करना है, ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो इन नंबर जो ज़्यादातर इन नंबर्स को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो मुझे वो दिख रहा है 5, क्योंकि 5 इन तीनों को डिवाइड कर देता है, तो मैंने 5 ले लिया, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो मैंने बोला था तब तक करना है इनको डिवाइड जब तक कि रिमाइंडर में या तो एक वैल्यू बच जाए या ऐसी वैल्यू आ जाए जो सारी की सारी क्या हो, प्राइम हो। तो अभी देखिए 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, लेकिन 4 प्राइम नहीं है, यानी कि इसको और करेंगे डिवाइड, देखिए 2 से, क्योंकि 4 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ना ही 3 डिवाइड होता है 2 से, ना ही 5, इसको एज इट इज उतार दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, 3 2 और 5, ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो बस इसके ज़्यादा आगे ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए एलसीएम क्या आ गया आपका, 5 × 2 × 3 × 2 × 5, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखते हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 6 2 ज़ा 12, और 12 और ये 5 5 ज़ा 25, 12 × 25 अगर मैं करूँ तो ये आ गया आपका 300, तो 300 इज द एलसीएम। क्लियर हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम। सो गाइस, ये जो मेथड हमने समझा है इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो ये आपने सीख लिया, कुछ नहीं करना है, जस्ट प्राइम नंबर्स लेने हैं और ज्यादातर जितने नंबर डिवाइड होते हैं उनको कर देना है, और तब तक करना है जब तक कि उसके रिमाइंडर में जहाँ तो 111 नहीं आ जाए या कोई एक वैल्यू बच जाए, जैसे कि यहाँ पे बचा था, ठीक है, तो इस वैल्यू को भी जब एलसीएम निकालेंगे तो साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, या सभी के सभी रिमाइंडर में आपके प्राइम नंबर्स आ जाएं तो रुक जाना है, जैसे कि ये 3 2 5, इसको ये तीनों के तीनों देखिए प्राइम नंबर है, किसी और टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पर रुक जाना है और इसको भी आपने क्या कर देना है, इसके फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अभी देखिए ये मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर हो गया। तो ये मेथड था आपका एलसीएम का, जो सेकंड मेथड, जो डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं, पेपर में आपने इसी मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। सो गाइस, हमने जो एचसीएफ से पढ़ा था या एलसीएम जो पढ़ा है, ये सारे के सारे मेथड थे, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल वैल्यूज को फाइंड करने वाले थे। इसके बाद कभी कभी आपके एग्जाम्स में फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाते हैं और उनका आपको क्या करना होगा, एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना होगा, ठीक है। अपॉन वाली जो टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब ये देखिए, ये देखिए, ये 2 upon 3, 4 upon 9, 5 upon 6, तो इस तरीके की जो टर्म्स आएगी, अगर इसका आपने एलसीएम निकालना है या इसका आपने एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकाला जाता है वो अब हम सीखेंगे, ठीक है। इसे निकालने से पहले आपको फ्रैक्शंस के कुछ जो फार्मूलाज हैं वो पता होना चाहिए कि कैसे एलसीएम को फाइंड करते हैं,
फ्रैक्शनल वैल्यूज की, या कैसे HCF को फाइंड करते हैं फ्रैक्शंस की देखेंगे। अब जब भी आपको LCM और HCF निकालनी है फ्रैक्शन की, तो ये दो फार्मूले जो हैं आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। अब देखिए, जब आपने LCM निकालना है किसी फ्रैक्शन का, ठीक है, अपॉन वाली वैल्यूज का, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज का, तो कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, अगर LCM फाइंड करना है तो इसके अंदर जितने भी न्यूमिनेटर होंगे उन सबका LCM लेना है, और जितने डिनोमिनेटर होंगे उन सबका HCF लेना है, ठीक है गाइस। और अगर आपको HCF लेना है तो आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर का HCF लेना है और डिनोमिनेटर का LCM लेना है, ठीक है। तो यानी कि सिंपल वे में कहूं, अगर LCM निकालना है तो न्यूमिनेटर का LCM लेंगे और डिनोमिनेटर का HCF, और अगर आपने HCF लेना है तो न्यूमिनेटर का HCF लेंगे और डिनोमिनेटर का LCM, ठीक है। यानी कि LCM में न्यूमिनेटर का LCM लेंगे और HCF में न्यूमिनेटर का HCF लेंगे, क्लियर हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे बोला हुआ कि LCM निकालिए किसका, 2/3 का, 4/9 का, 5/6 का, तो ये LCM निकालना है। तो अभी मैंने बोला अगर LCM निकालना है ये वाली अपॉन वाली वैल्यूज का, तब क्या करते हैं, LCM लेना है न्यूमिनेटर का, तो यानी कि हम लेंगे LCM ऑफ 2, 4 और 5, यानी कि न्यूमिनेटर्स 2, 4 और 5, ये सभी न्यूमिनेटर्स है, इनका LCM लेना है, और HCF लेना है किस किस का, 3, 9 और 6 का, यानी कि डिनोमिनेटर का आपने HCF लेना है, ठीक है। और अगर आप LCM लोगे 2, 4 और 5 का, देखो ये 2, 4 और 5 का, तो इसमें से ज़्यादातर नंबर किससे कट रहे हैं, 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अब ये तीन दोनों के दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर आ गए। अब आपने क्या करना है, इनको एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 5 ज़ा 20, तो इन सब का जो LCM है 2, 4 और 5 का वो आ गया 20। अब क्या करना है, आपने HCF लेना है 3, 9 और 6 का। तो आपको मैंने HCF में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए थे, मैंने बोला था अगर आपको HCF में कुछ, अगर आपको नंबर्स दिए गए हैं जिनका आपने HCF फाइंड करना है, उसमें से अगर आपको कोई एक ऐसा छोटा वैल्यू दिखती है जो सारे के सारे नंबर को अगर डिवाइड कर जाती है, तो वही आपका गिवन नंबर में से HCF होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3 को भी डिवाइड कर सकता है, 9 को भी और 6 को भी, तो यानी कि इन सब का HCF क्या आएगा, 3, ठीक है। अगर आप चाहो तो डिवाइड करके भी, जो डिवीजन मेथड है HCF का, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा। अगर उस पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं कि कोई एक नंबर अगर इन तीनों को डिवाइड कर जाता है जो कि इसमें अगर है, तो वो आपका क्या होगा, HCF। तो देखो अगर हम डिवीजन मेथड से भी अगर निकालेंगे तो भी देखिए यही 3 ही आंसर आएगा। मैंने बोला था क्या करते हैं, कोई दो नंबर ले लेते हैं तीनों में से, बड़ा वाली वैल्यू अंदर, छोटी वाली वैल्यू बाहर, 3 3 ज़ा 9, तो जिस डिवाइज़र की वजह से रिमाइंडर 0 आया वो आपका क्या होता है, HCF। यानी कि 3 और 9 में से जो HCF है वो क्या आ गया, अब 3, ठीक है, क्योंकि 3 ने इसको डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट टर्म कौन सी बची, 6 की, और 3 और 6 को लेना है। अब देखिए, बड़ी वाली वैल्यू अंदर, छोटी वाली बाहर, 3 2 ज़ा 6, तो 3 ने 6 को भी डिवाइड कर दिया, तो डैट मीन्स 3 इज द HCF। तो यानी कि इसमें भी 3 आया, और अगर वो पॉइंट आप याद रखते कि गिवन वैल्यू में से कोई एक छोटी वैल्यू अगर सबको डिवाइड कर देती है वो HCF है, तो आप डायरेक्टली 3 यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है गाइज। तो ये हो गया आपका कैसे किसी फ्रैक्शंस का LCM फाइंड करना होता है। अब उसके बाद हम सीखते हैं कि कैसे HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए, HCF में क्या करते हैं, न्यूमिनेटर्स का HCF लेते हैं और डिनोमिनेटर का LCM, ठीक है। देखिए, HCF में न्यूमिनेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM, तो शुरू करते हैं कि किस किस का HCF लूंगा, न्यूमिनेटर का, यानी कि HCF ऑफ 2, 4 और 5। उसके बाद LCM किस किस का लूंगा मैं, डिनोमिनेटर का, 3, 9 और 6।
अब HCF अगर मैं लेता हूँ 2, 4 और 5 का, अगर उसमें HCF में मैंने एक और आपको बात कही थी कि अगर आपको गिवन नंबर्स में से ये पता चलता है कि उनमें से किन्हीं दो नंबर्स का HCF आपस में 1 आ रहा है, तो आगे जितने मर्जी आपको नंबर्स दिए गए हों सबका HCF 1 ही रहेगा। ये वाला पॉइंट मैंने उस दिन लिखाया भी था आपको। तो अगर आपको वो पॉइंट नहीं पता तो आप सिंपल इन सबका HCF भी निकाल सकते हो। तो मेरे आइडिया से अगर देखा जाए 2 और 5 का अगर HCF है क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आगे आपको 4 दिया हो, 5 दिया हो, कोई भी नंबर दिए हो, जितने मर्जी दिए गए हो, सबका HCF 1 ही रहेगा अगर किन्हीं दो का HCF आपस में 1 आ जाता है। तो 2 और 5 का HCF 1 है, तो आगे चाहे जितने मर्जी नंबर दिए हो, 4 दिया हो और भी कोई नंबर दिए हो, सबका HCF 1 आएगा। तो डैट मीन्स इसका HCF आ गया 1। ठीक है, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपने उस पॉइंट को लर्न किया होता है, दिमाग में बिठाया होगा, तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। अगर नहीं किया तो आप इसको डिवाइड डिवीजन वाले मेथड से HCF निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इनमें से कोई दो नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूं यहां पे 2 और 4 ले लीजिए, बड़ी वाली वैल्यू अंदर छोटी बाहर, 2 2 4, यहां पे आ गया क्रॉस 0, यानी कि 2 ने डिवाइड कर दिया 4 को, तो 2 इन दोनों का क्या आ गया, HCF। अब नेक्स्ट कौन कौन से लोगे, इन दोनों का जो HCF होगा और बाकी बची हुई वैल्यू यानी कि 2 और 5, तो ले लेते हैं यहाँ पे 2 और 5, 2 2 4 आ गया 1। फिर ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 आया है, तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है, डिवाइजर और पुराने वाला डिवाइजर डिविडेंड। तो 1 2 2, तो किसकी वजह से ये 0 आया, 1 की वजह से, यानी कि सबका HCF क्या आ गया, 1। तो ये मेथड लेंथी था, अगर वो पॉइंट किया होता तो डायरेक्ट आपने मेरी तरह 1 लगा देना था। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को लर्न कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। अब देखिए LCM ऑफ 3, 9 और 6, ठीक है, इसको देखना है। तो LCM निकालना है 3, 9, 6 का, क्या करोगे, फटाफट से स्टेयर्स बनाओगे, थ्री नाइन सिक्स वो लोगे, प्राइम नंबर लोगे जो इनमें, इनको ज़्यादातर इनमें से गिवन नंबर्स को क्या कर जाए, डिवाइड कर जाए, तो वो 3 ही दिख रहा है क्योंकि 3 इन सबको डिवाइड कर देता है, 3 1 3, 3 3 9। अब ये देखिए ये दोनों क्या बचे हैं यहाँ पे, प्राइम नंबर। मैंने बोला जब भी प्राइम नंबर आ गए तो डिवीज़न रोक देनी है, उनको भी बाकी फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यानी कि इनका जो LCM होगा वो क्या होगा, 3 × 3 × 2, ठीक है, 3 3 9, 9 2 18, तो 18 इज द LCM ऑफ 3, 9 और 16। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आगे कंटिन्यू करेंगे, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कि कैसे डेसिमल का आप LCM और HCF निकाल सकते हो। ठीक है, मिटा दूँ इसको। तो चलिए गाइस, अब हम सीखते हैं कि कैसे डेसिमल नंबर्स का LCM और HCF निकाला जाता है। डेसिमल्स नंबर का कैसे HCF और LCM निकाला जाता है, इसे सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पता होना चाहिए कि कैसे किसी डेसिमल को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए डेसिमल वैल्यू होगी पॉइंट्स वाली, जिसमें पॉइंट होता है जिन वैल्यूज़ में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर सपोज करो दिया हुआ है 2.4। ठीक है, तो क्या करना आपने, जब भी ये होगी डेसिमल वैल्यू, इसको आपने कन्वर्ट करना है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको ये जो पॉइंट है इसको हटाना है, देखना है पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1 है, तो 1 0 वाली वैल्यू जो होगी, 24 का पॉइंट हटा दिया, ऊपर 24 रह गया, अब पॉइंट हटाने के बाद, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू, 1, तो 1 0 वाली वैल्यू कौन सी होती है, 10, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना। अब जैसे कि अगर मेरे पास होता 0.3, ठीक है, पॉइंट हटाया तो ऊपर 0.3 रह गया, यानी कि 3 रह गया, अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1, तो 1 0 वाली वैल्यू कौन सी होती है, 10, तो इसके नीचे क्या लिखोगे, 10। अब जैसे कि यहाँ पे है आपका
3.52, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2। तो आप जब भी इसका पॉइंट हटाओगे और इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, तो 20 वाली वैल्यू इसके नीचे आ गई और ऊपर 352, क्योंकि पॉइंट तो हमने हटा दिया, ठीक है। अगर ये होता 0.03, ठीक है, तो क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट को हटाया तो 003 यानी कि 3 रह गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2, तो 20 वाली वैल्यू इसके नीचे आ गई, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तो ये आपने सीख लिया कि कैसे पॉइंट हटा के किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें आपने HCF और LCM निकालना है डेसिमल्स का, तो उसमें भी ये कंसेप्ट यूज होगा। अब देखते हैं कहाँ। अब देखिए आपने क्या करना है, आपको दिया हुआ है 0.15, 0.3 और ये 6, ठीक है। आपने देखना है कि इन दिए गए नंबर्स में से पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा कितनी वैल्यू है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, जो हाईएस्ट पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी सब में उतने पॉइंट के बाद वैल्यू करनी है, यानी कि यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो इक्वेट करनी है, यानी कि सब में पॉइंट के बाद 2-2 वैल्यूज होनी चाहिए। तो आपने इसको क्या करना है, इसमें तो 0.15 है, ऑलरेडी 2 है, क्योंकि इसी को देखा हमने कि जब जिसमें सबसे ज़्यादा है बाकियों में भी उतनी ही प्लेस वैल्यूज हमने बनानी है डेसिमल की। अब यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, 1 ही वैल्यू थी, तो हमने 2 बनानी है, तो अपनी तरफ से मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद अब कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पे तो सिर्फ 6 था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी मर्जी से पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे भी 20 हमने लगा दिए, तो 6 का 6 में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए इसमें इक्वल डेसिमल प्लेसेस में, यानी कि इन सब की पॉइंट के बाद 2-2-2 वैल्यूज हैं, सब में 2-2 हैं, तो इसलिए ये इक्वल डेसिमल प्लेसेस हो गई। पहला पॉइंट इक्वल डेसिमल प्लेसेस में इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। अब इसको हमने क्या करना है, इनके पॉइंट हटा देने हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा पहले भी। इसके जब मैं पॉइंट हटाता हूँ, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2, तो ऊपर तो 15 रह गया, नीचे 20 वाला यानी कि 100 आ गया। इसका मैं पॉइंट हटाता हूँ तो क्या आ गया, 30 ऊपर रह गया और पॉइंट के बाद 2 वैल्यू थी, तो इसके लिए इसलिए इसके नीचे भी क्या आ गया, 100। सब में पॉइंट के बाद 2-2 हैं, तो यानी कि सब में नीचे 100 ही आएगा, तो यहाँ पे 100 और ऊपर तो सिर्फ 600 यानी कि 600 रह गया। अब देखिए ये किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं वो आपने यहाँ पे सीखा था। अब इन सबका क्या निकालना है, HCF। तो जब भी HCF निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू का, तो क्या करते हैं भाई, न्यूमिनेटर का क्या निकालोगे आप, HCF, ठीक है। तो HCF निकालोगे किसका, 15 का, 30 का और 600 का, और नीचे आप LCM निकालोगे किसका, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। अगर 100 100 100 का LCM निकालोगे तो वो तो 100 ही रहेगा, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो LCM भी वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए HCF निकालना है किसका, 15 30 और 600 का, तो आप क्या करोगे, डिवीज़न मेथड, कोई दो नंबर ले लोगे, छोटा वाला वैल्यू बाहर, बड़ी वाली वैल्यू अंदर, 15 2 30, तो 15 और 30 का LCM आ गया 15, और नेक्स्ट टर्म जो बची हुई कौन सी है, 600, तो बड़ी वाली वैल्यू अंदर रहेगी, छोटी वाली बाहर, 15 40 600, तो 15 ने 600 को भी डिवाइड कर दिया, इसलिए जो डिवाइजर पूरी तरह डिवाइड करता है वो आपका क्या होता है, HCF। तो यहाँ पे 15 है जिसने सभी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसलिए 15 इज द HCF, तो यहाँ पे 15 आ गया।
ठीक है, तो आपका आंसर क्या है 15/100। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों किसी एक टेबल से कटते हैं, वो क्या है 5 से, 5 3 15, 5 20 100, तो 3/20 जो है वो इसका HCF निकल गया। ठीक है, अब हम LCM निकालते हैं डेसिमल्स का, उसमें भी सेम यही स्टेप आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस को इक्वेट करना है। यहाँ पे जो हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस है जिसमें वो दो वाली है, यानी कि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं सबसे हाईएस्ट, तो सब में आपने दो दो वैल्यूज़ रखनी है पॉइंट के बाद, यानी कि डेसिमल प्लेसेस 2 रखनी है सब में, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट 2 है तो सब में, अगर 3 होती तो सब में 3, अगर 1 होती तो सब में 1 रखनी है। तो देखो अब ये हो गया, इसको 2 में बना दिया अपनी तरफ से 0 लगा के, ठीक है, अब 2.4 ये तो 1 ही था पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी अपनी तरफ से 0 लगा के कन्वर्ट कर दिया इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 था तो इसको एज इट इज ही रहने दिया। अब क्या करना है आपने, इसमें इसका पॉइंट हटाओ तो क्या आएगा 60/100, इसका पॉइंट हटाओ क्या आ गया 240/100, इसका पॉइंट हटाओ तो 12/100। तो क्या करना है, अब आपने LCM लेना है, ठीक है, और जब भी आप LCM लेते हो तो क्या करते हो, न्यूमिनेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF। तो अगर आप देखोगे HCF सेम है सब में, तो उसका HCF भी क्या रहेगा, सेम 100। 100 का HCF 3 बार 100 आया है, तो इन सब का HCF क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। अगर LCM होता 100, सभी तीनों में 100 दिया तो LCM भी क्या रहा, 100, यानी कि सेम वैल्यूज़ का HCF भी वही रहता है और सेम वैल्यू का LCM भी वही रहता है, तो तीनों का 100 निकालना है तो यहाँ पे 100 ही आ गया। अब आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर का LCM निकालना है, तो क्या करोगे, इन सब का जब आप LCM निकालोगे, ठीक है, कोई भी मेथड अप्लाई करके जो आप अप्लाई करते हो, जो आपको बताया गया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 240। ठीक है, अब 240 इसका आ गया आंसर, तो आपने क्या करना है, अभी इसको नीचे कितने जीरो हैं, 2, ऊपर के ऊपर आपके 3 वैल्यूज हैं, तो यानी कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 2, तभी तो नीचे 2 जीरो आएगा, यानी कि 2.40 इज द आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ये जीरो काट सकते हो, ठीक है, वो आ गया 24/10, तो क्या है नीचे 10 बचा है, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 1, तो इसलिए 24 में कहाँ मैं पॉइंट लगाऊं कि एक वैल्यू आए, तो यहाँ पे लगाऊंगा तो इसके पीछे एक वैल्यू आ गई, तो 2.4। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे HCF और LCM कैसे निकाले जाते हैं डेसिमल नंबर्स के। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको LCM के जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।